नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं महिमा जैन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज जयपुर दौरा है। दोपहर में एयरपोर्ट से सीतापुरा में जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर तक करीब 9 किलोमीटर तक उनका रोड शो रखा गया है। रंग रंगीलो राजस्थान थीम पर अलग अलग तरह से शाह का 18 जगह स्वागत रखा गया। पूरे रास्ते फूलों की बरसात शाह के काफिले पर होगी। स्वागत में कहीं शंखनाद होगा तो कहीं घूमर और गैर नृत्य तो कहीं कव्वाली से शाह का इस्तकबाल होगा। बीजेपी के अलग अलग मोर्चा और मंडल शाह का स्वागत करेंगे। अमित शाह जेईसीसी में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के समापन सत्र और जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से जारी राजनीतिक प्रस्ताव और राजस्थान कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल के खिलाफ ब्लैक पेपर पर शाह मोहर लगाएंगे। अमित शाह राजस्थान में पार्टी को एकजुट करने आए हैं। सभी नेताओं को एक जाजम पर लाकर अभी से अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की नसीहत देंगे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने और जनता के बीच जाने की सीख भी बीजेपी नेता को देंगे। करीब 4 बजे से जनप्रतिनिधि सम्मेलन हो जिसमें 10,000 लोगों को शाह संबोधित करेंगे। इसमें सांसद, विधायक, नगरीय निकायों के अलावा सहकारिता के जनप्रतिनिधि बड़ी तादाद में शामिल होंगे। शाम करीब 6 बजे अमित शाह की राजस्थान बीजेपी के 10 टॉप लीडर्स से मुलाकात होगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, 4 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, भूपेंद्र यादव और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद ओम प्रकाश माथुर से शाह मिलेंगे। 1-to-1 चर्चा भी होगी। कन्वेंशन सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पर वीआईपी लॉन्ज और उससे जुड़े 2 रूम लोअर एंड अपर लेवल पर बिजनेस लॉन्ज और वीसी रूम रिजर्व रखे गए हैं। संगठन के नेताओं से अलग चर्चा के बाद अमित शाह शाम करीब 7 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।